बेटी में वाहनों को रोककर अवैध वसूली करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपियों इन आरोपियों ने 14 मार्च को आमली घाट नर्मदा पुल के पास पिकअप को रोककर रुपयों की मांग की थी रुपए नहीं मिलने पर वाहन चालक पर चाकू से हमला कर दिया था पीड़ित ने सलकनपुर चौकी में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी जांच के बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया था जिनके पास से घटना में उपयोग किया गया चाकू भी जब्त किया गया है